तो हम मेष लग्न की कुंडली में बृहस्पति और शनि के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इन दोनों का कंजक्शन आपके किसी भी भाव में हो मेष लग्न की कुंडली में, तो आपको किस प्रकार के परिणाम सामने आ सकते हैं। इस वीडियो में सप्तम भाव के बारे में बात करेंगे, जहां बृहस्पति और शनि दोनों ही तुला राशि में स्थित हैं आपकी मेष लग्न की कुंडली में। यहाँ अब बृहस्पति आपके लिए 9th लॉर्ड हैं और 12वें घर के भी स्वामी हैं, जबकि शनि आपके 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड हैं। बृहस्पति यहाँ पर अब शनि के साथ स्थित हैं, तो जीवन साथी की सेहत के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है यहाँ पर। अगर शनि यहाँ वक्री होते हैं तो उस केस में आपके प्रोफेशन वाइज या आपके धन के हिसाब से अच्छे साबित होंगे जरूर, लेकिन यहाँ शनि कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को, रेपुटेशन को बढ़ाने के हिसाब से वक्री शनि उतने अच्छे नहीं होंगे। तो यहाँ आपको प्रोफेशनली अगर लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो आपको यहाँ पर शनि वक्री चाहिए। अब यहाँ गुरु के साथ हैं शनि, गुरु के साथ इनका न्यूट्रल संबंध है, इसलिए एक दूसरे का सामान्य प्रभाव ही एक दूसरे पर पड़ेगा। अब ये शुक्र का घर है, जहाँ शनि के लिए ये मित्र का घर हो गया, और शनि यहाँ निश्चित रूप से पावरफुल होंगे ही, क्योंकि उनके लिए ये उच्च का घर है। अब देखिए, बृहस्पति जब शनि के साथ हैं, ऐसे में आपका जो जीवन साथी होगा आपकी लाइफ में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होगा, वो अपनी पूरी जिम्मेदारियों को निभाएगा और आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेगा। ये कंजक्शन कभी कभी आपके मान सम्मान में बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है और कभी कभी लेकिन आपको शारीरिक रूप से थोड़ा सुस्त भी बना सकता है। अब आपको अपना मंगल देखना पड़ेगा कि आपका मंगल कौन से भाव में है, कितना पॉजिटिव है, कितना वो नेगेटिव है, कितना मजबूत स्थिति में आपका मंगल बैठा हुआ आपके चार्ट में। तो यहाँ अब आप आलस्य से ग्रस्त होंगे या नहीं होंगे, ये मंगल पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा। बट ये दोनों के कंजक्शन की वजह से आपकी सोच जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक होगी, आप बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर ही डिपेंड होंगे, ज़्यादातर आत्मनिर्भर होंगे। इससे आपको हर काम स्वतंत्र रूप से करने में मदद मिल सकेगी, आप दूसरों पर अपना अच्छा प्रभाव डालेंगे, सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, दूसरों को बहुत अच्छे से इंस्पायर कर सकेंगे। ये कंजक्शन की वजह से आप मान सम्मान के दृष्टिकोण से तो हमेशा टॉप पे होंगे ही, आप अपने जीवन में ज्ञान प्राप्ति के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे। तो ये कंजक्शन ये दिखाता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड भी होंगे और एक विद्वान के तौर पे जाने जा सकते हैं, लेकिन आपका जो जीवन साथी होगा वो आपकी तुलना में ज़्यादा पैसे वाला हो सकता है, वो ज़्यादा मेहनती हो सकता है, ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, और वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली वेल सेटल हो सकता है। अब आपको यहाँ पर जीवन साथी से किसी भी प्रकार की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, ये कंजक्शन आपके जीवन साथी को काफ़ी कठोर बनाता है व्यवहार के दृष्टिकोण से। तो ऐसा जो जीवन साथी आएगा वो निश्चित ही आपको सपोर्ट जरूर करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। अब यहाँ शुक्र का रोल बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि शुक्र जितने मजबूत होंगे उतना ही यहाँ शनि अच्छा काम कर सकेंगे, और बृहस्पति भी क्योंकि शुक्र के घर में, तो बृहस्पति यहाँ हालांकि उतने अच्छे नहीं माने जाते सप्तम भाव में। तो अब कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा जब आपका शुक्र मजबूत स्थिति में नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपका मैरिज वगैरह में इंटरेस्ट नहीं होता कभी कभी। ये कंजक्शन आपका थोड़ा डिले कर सकता है शादी में, लेकिन डिले होना भी अच्छी बात है। यहाँ बृहस्पति जो हैं वो आपको तब तक मैरिज नहीं होने देते जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाते या पूरी जिम्मेदारियों को वहन करने में सक्षम नहीं हो जाते। तो शुक्र का रोल बहुत ही बड़ा है यहाँ पर अब, और शुक्र आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, ये आपको जरूर देख लेना चाहिए। अब इन दोनों के हिसाब से अगर हम देखें तो बृहस्पति 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड होकर यहाँ बैठे हैं, तो हो सकता है ये ज़्यादातर केस में आपको अपने घर से दूर सेटल करेंगे विवाह के पश्चात। आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करें अगर, तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रखेंगे और आपको काफ़ी बार कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना जहाँ भी बनेगी वहाँ पर आप एक कठोर रवैया जरूर अपनाएंगे अपने काम के लिए। यहाँ बृहस्पति और शनि का कंजक्शन ये दिखाता है कि जातक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होगा अपने काम के प्रति, अपने जॉब के प्रति या बिजनेस के प्रति, तो सफलता आपके लिए जरूर सुनिश्चित करता है ये कंजक्शन। बट अब बृहस्पति यहाँ जितना अच्छा प्रभाव डाल पाएगा उतना ही आपके लिए कंजक्शन बेहतर साबित होगा, क्योंकि बृहस्पति अच्छा होने की वजह से आप अपने ज्ञान, अपनी क्षमताओं का, बुद्धिमत्ता का बेहतर से बेहतर यूज कर सकेंगे और इससे आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस होने की संभावना बन सकेगी। यहाँ बृहस्पति अब शनि के कितने ज़्यादा क्लोज हैं आप समझ लीजिए, उतना ही ज़्यादा आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी जीवन साथी के साथ। आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं बहुत रिजिड हो सकता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकता है, और वो अपनी बातों के हिसाब से ही आपको हैंडल करने की कोशिश करेगा, वो आपकी नहीं सुनेगा, तो ऐसे में थोड़ा सा मतभेद भी रहेगा या थोड़ा ईगो प्रॉब्लम्स भी रहेंगी आपस में।
अब आपका जो जीवन साथी वो काफ़ी ज़्यादा आलसी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, लेकिन वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होगा, मेंटली भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा और उसकी एडवाइस आपको बहुत ज़्यादा काम करेगी आपकी लाइफ में। तो आपको अपने जीवन साथी से कोई ना कोई सलाह या एडवाइस अवश्य ही लेनी चाहिए। ये कंजक्शन मेनली आपको किसी लॉ के फील्ड की तरफ इशारा करता है, आपको लॉ वगैरह में या कोई ऐसे काम में जाना चाहिए जहाँ पर आप रेगुलर एक अच्छे रूटीन को फॉलो कर सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेटेड रह सकें, सेम काम को करना आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप फुली फोकस्ड रहेंगे अपने काम पर। अब ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ है लाइफ में उसको रोकने का काम करेगा। यहाँ शनि जितना ज़्यादा मजबूत होगा, समझ लीजिए मान सम्मान के दृष्टिकोण से तो ये ज़रूर अच्छा है, लेकिन आपकी लाइफ में अब ग्रोथ होने की संभावना कम बन जाएगी। ऐसे में हो सकता है कि आपका 35 की एज के बाद ही लाइफ में सही ग्रोथ देखेंगे आप, और वो जो ग्रोथ होगी बिल्कुल स्टेबल ग्रोथ होगी। तो यहाँ अगर किसी जातक को ये सोचना है कि उसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहे, उसके लाइफ में कोई उतार चढ़ाव ना आए, और आप मान लीजिए कोई ज़्यादा रिस्क लेना नहीं पसंद कर रहे हैं, तो कंजक्शन ज़रूर आपके फेवर में काम करेगा। अब यहाँ हम इनके अगर दृष्टियों की बात करें तो शनि सबसे पहले आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ वो आपके भाग्य को थोड़ा सा डिले करते हैं, भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। शनि वक्री होकर अगर यहाँ पे आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तो ये निश्चित ही आपके फेवर में ज़रूर रहेगा। शनि का यहाँ दृष्टि होने से फादर से आपको मदद नहीं मिल पाती कभी कभी, और फादर को आप ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं। शनि की दृष्टि होने की वजह से आप उच्च शिक्षा में बहुत अच्छे होंगे, और इवन आप अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं। शनि यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान या धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखेंगे। अब यहाँ शनि आपको कहीं ना कहीं बाध्य करता है एक पर्टिकुलर नियम या कानून को फॉलो करने के लिए, तो आप कभी भी कोई इलीगल काम करना पसंद नहीं करेंगे, आप हमेशा ही सामान्य तरीके से काम करना पसंद करेंगे, आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बस आपको सिर्फ जिद की वजह से प्रॉब्लम होगा। अब शनि का दृष्टि जो कि बृहस्पति के घर पे पड़ रहा है, यहाँ शनि वैसे तो अच्छा काम करेंगे क्योंकि वो बृहस्पति के साथ बैठे हैं, लेकिन यहाँ लक को राइज नहीं होने देंगे वो। इसके साथ साथ आपको जीवन में बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती है अपने स्टडीज़ वगैरह के लिए। फिर यहाँ इन दोनों की ही दृष्टि आपके लगन पे पड़ती है, लगन पे पड़ती है तो आपको ज़्यादा सकारात्मक बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं आपको, और काफ़ी ज़्यादा रिजिड बनाते हैं। व्यवहार के दृष्टिकोण से आप बहुत ही ज़्यादा कठोर हो सकते हैं, आप अपने जीवन साथी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कठोर व्यक्ति होंगे। इसके अलावा संतान के प्रति कहीं ना कहीं आप ज़्यादा बोल सकते हैं गुस्सेल हो सकते हैं, या संतान से आपकी इच्छाएं एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो यहाँ दोनों का दृष्टि आपके लगन पर जब पड़ रहा है तो ऐसे में एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पर आप सामने आएंगे, ईमानदार व्यक्ति के तौर पर। लेकिन ये कंजक्शन आपको थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति देगा और आध्यात्म की तरफ ग्रोथ करने के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन माना जाएगा, मान सम्मान में हमेशा आपको वृद्धि करेगा और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको ये काफ़ी अच्छा बनाता है, दूसरों से आपको मान सम्मान दिलाएगा। फिर यहाँ जो दृष्टि रहेगी शनि की, वो शनि की दृष्टि आपके 4th हाउस पर रहेगी। 4th हाउस पर ये दृष्टि पड़ने से यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थिति रहेगी, आपको अपने जीवन साथी से अपने घरेलू कार्यों में ज़रूर मदद मिल सकती है यहाँ पर। तो अब आप किस प्रकार से जीवन जीते हैं, आपका एक छोटे से छोटा फैसला भी आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप और आपके करियर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला होगा। यहाँ पर बृहस्पति की जहाँ तक बात है, बृहस्पति यहाँ ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे दृष्टियों के हिसाब से अगर हम देखें तो बृहस्पति सबसे पहले 11वें भाव को देखेंगे, जहाँ वो शनि के साथ यानी 11वें भाव के स्वामी के साथ ही बैठे हैं आपके सप्तम भाव में। तो ये आपके अकेले बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है, जिसमें आप अपना पूरा पूरा टाइम देंगे, पूरा डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। तो यहाँ एक अलग से आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए खुद के लिए और अपने बिजनेस के लिए भी। यहाँ बृहस्पति आपके नेटवर्क में भी पर्याप्त विस्तार करेंगे, जिससे आपको लोगों से जुड़ने में भी मदद मिलेगी और आपके अक्सर जो नेटवर्क सर्कल में लोग होंगे वो ज़्यादातर एजुकेटेड या बहुत ही प्रभावशाली लोग होंगे। ऐसा बृहस्पति आपको ज्ञान की अधिकता देगा हमेशा ही, तो आप जब भी लोगों को चुनेंगे या किसी के साथ फ्रेंडशिप करेंगे तो बहुत ही सोच समझ कर करेंगे, और आप हमेशा प्रत्यक्ष में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, आप सुनी सुनाई बातों पर उतना अधिक विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, बृहस्पति का यहाँ 11वें भाव पर दृष्टि है, तो किसी के साथ भी अगर पैसे का लेन देन करते हैं, अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं
या किसी की कोई भी हेल्प कर देते हैं, तो उस सामने वाले व्यक्ति से आप कुछ भी एक्सपेक्टेशंस ना रखें, वरना आपको काफ़ी दिक्कत आएगी और आपका उधार दिया हुआ पैसा कभी भी आपको नहीं मिलेगा। फिर बृहस्पति आपके लग्न पर दृष्टि डालते हैं, जहाँ शनि भी साथ में ही दृष्टि डाल रहे हैं। इस वजह से आपको एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति के रूप में, बहुत ही पारदर्शी और स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति के रूप में यहाँ बृहस्पति दिखाते हैं, जो एक ज्ञानी व्यक्ति होगा हमेशा और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऐसा जातक किसी भी हद तक अपने जीवन में जा सकता है। फिर बृहस्पति आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस, आपके थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, जहां वो बुध की राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं मिथुन को। यहां बृहस्पति आपको कुछ नया सीखने, कुछ नया करने लाइफ में, इनोवेटिव आइडियाज़ के मामले में बहुत बेहतर बनाता है आपको। बस अब आपको ये ध्यान देना है कि ये कंजक्शन के होते हुए आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, छोटी आयु से ही आपको बहुत कुछ सीखने के लिए प्रयास करने चाहिए। हालांकि शुरुआत में आप उतना तेज़ी से नहीं सीख सकेंगे, लेकिन समय के साथ साथ आपके अनुभव आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। फिर यहाँ बृहस्पति थर्ड हाउस को देख रहे हैं, तो आपका अगर मान लीजिए अपने रिश्तेदारों से, अपने घरेलू लोगों से या भाई बहनों से अगर किसी प्रकार का मनमुटाव है या रिश्तों में कोई दूरियां हैं, तो बृहस्पति उनको ख़त्म करने का काम करते हैं और आपके रिलेटिव्स से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट बृहस्पति यहाँ दिलाते हैं। साथ साथ में नई चीज़ों को करने, नई चीज़ों को सीखने में या कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने में बृहस्पति आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ऊपर उठाते हैं ऐसे बृहस्पति लाइफ में।